वाओ, क्या लग रही हो तुम, क्या कमाल का फोटो है तुम्हारा। मैं बता रहा हूँ सनी कमाल का फोटोग्राफर है, मतलब क्या एंगल ले लेके फोटो खींचता है। अरे मुझे भी दिखाओ ना। क्यों? लगता है फिर से किसी ने मिर्ची का छौंका लगा दिया। वाओ, आई बाबा कितने खुश लग रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। क्यूट तो वैसे हम भी लग रहे हैं और खुश भी लग रहे हैं। हाँ खुश तो लग रहे हैं। सही, आज जो तुमने आई और बाबा के लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं। और एक थैंक यू गिफ्ट के तौर पर थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हें पास्ट में लेके जाना चाहता हूं। अब पास्ट की बात क्यों कर रहे हैं? आपने भी देखा ना सनी भैया ने पास्ट की बात की, मुझे गुस्सा आ गया। क्यों पास्ट की बात करना चाहते हैं? आप कुछ बोलेंगे मुझे फिर गुस्सा आ जाएगा, फिर मैं कुछ बोल दूंगी आपको बुरा लग जाएगा और फिर हमारी लड़ाई हो जाएगी। नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारा एक सवाल याद दिलाना चाहता हूं। तुमने मुझसे एक सवाल कई बार किया है लेकिन उसका जवाब मैंने कभी नहीं दिया है। कैसा सवाल? यही कि पाखी ने मुझे उस दिन कैफे में क्यों बुलाया था। पाखी ने उस दिन मुझसे पूछा था कि क्या उसे सम्राट के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए या मेरा इंतजार। सही, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूं। हाँ मैंने आपकी बात सुन ली। सच पूछिए तो मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है यह जानने में कि आपके और पाकी दीदी के बीच में क्या रिश्ता है या आप दोनों के बीच में क्या बात हुई है। आप प्लीज, आप दोनों के बीच में जो भी बात हुई है आप दोनों के बीच में ही रखिए। सही, तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। अब मैं अगर अपने दोस्त से ये सब शेयर नहीं करूंगा तो किसके साथ शेयर करूंगा? देखो तुम्हें दिलचस्पी हो ना हो, तुम्हें मेरे बारे में एक एक बात पता होनी चाहिए बस। अच्छा ठीक है, अब पता चल गया। हैप्पी? और वैसे आप नहीं भी बताते ना तो भी मुझे पता है आप पाकी दीदी के पास लौटकर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अपने भाई को धोखा नहीं दे सकते। हैरानी तो मुझे इस बात की है कि पाकी दीदी को यह बात नहीं पता, वो तो आप मुझसे पहले से जानती है ना। अब अगर हम सारी बातें क्लियर कर ही रहे हैं तो वो पाखी का हाथ पकड़ने वाली बात भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सही, उस दिन कैफे में पाखी रो रही थी, बहुत ज्यादा रो रही थी। उसे शांत करने के लिए, संभालने के लिए मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, आउट ऑफ सिंपथी, दैट्स इट, और कोई वजह नहीं थी। एक्चुअली उस दिन ना मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, पता नहीं क्यों। मतलब मैं तो आपके और पाखी दीदी के बारे में शुरू से ही सब कुछ जानती हूँ, पता नहीं फिर भी जब मैंने आप दोनों को हाथ पकड़ के कैफेटेरिया में बैठे देखा ना तो मुझे गुस्सा आ गया। सच में मुझे नहीं पता क्यों, बुद्धू हूँ मैं तो, खुद हम दोनों को हस्बैंड वाइफ नहीं मानती, दोस्त भी नहीं मानते। अरे ये तो अब की बात है ना, वो तो तब की बात थी, अब तो हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। वैसे कहीं आपका पाखी दीदी के साथ भाग जाने का कोई प्लान तो नहीं है ना? क्या? नहीं मतलब अगर आपका ऐसा कोई प्लान है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके स्पोर्ट्स शूज तैयार कर दूंगी, भागने में आसानी होगी। क्या बोलती है यार।
तुम ना थोड़ी हिली हुई हो। थोड़ी नहीं, पूरी हिली हुई हो। पूरा क्रेडिट दीजिए। ठीक है, पूरी हिली हुई हो। भागने तो नहीं वाले ना? स्पोर्ट शूज? कुछ भी नहीं, एक बार बोल के तो देखिए, अगर जरूरत पड़ी ना तो सई जोशी खुद आपकी और पाखी दीदी की शादी करवाएगी। हो गई बकवास, बेकार की बातों पर टाइम वेस्ट मत करो। कुछ दिनों में तुम कॉलेज जाओगी तो प्लीज अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ओके? आप मुझे मत बताइए कहाँ ध्यान देना है कहाँ नहीं। मेरा पूरा ध्यान, पूरा फोकस मेरी पढ़ाई पर है। थैंक गॉड। वैसे ये तो बताइए, आप अचानक से कैफे वाली बात क्यों बता रहे हैं मुझे? अचानक से नहीं, मैं तो तुम्हें पहले से ही बता देना चाह रहा था, लेकिन तुम मुझसे इतना चिड़ी हुई थी कि मैं यहाँ कुछ बताने जाऊँ और वहाँ बम ज्वालामुखी फटता था। अच्छा, तो अब ऐसा क्या हो गया जो आप मुझे ये बात बता रहे हैं? अब कोई प्रेशर नहीं ना हमारे ऊपर कि हमें साथ रहना है। हम रहते हैं घर में लेकिन अलग अलग कमरे में रहते हैं, तो अगर अब तुम गुस्सा भी होगी या नाराज भी होगी मुझसे तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मुझे कमरे में आने से मना कर दोगी या तो कमरे से बाहर निकाल दोगी, दोनों में से कोई एक। तो ठीक है, क्या चलिए जाइए कमरे से। हाँ जाइए, चलिए चलिए चलिए, जाइए जाइए ना। सच में? पर शकल देखिए अपनी, बुद्धू मजाक कर रही थी मोदक। वैसे मुझे अरेंजमेंट अच्छी लगने लगी, हम दोस्तों की तरह वक्त बिताते हैं और फिर अलग अलग कमरों में चले जाते हैं। हाँ, अब मैं आपके साथ आपके कमरे में नहीं हूँ तो आपको तो अच्छा ही लगता होगा। वैसे भी आप थोड़े लोनर टाइप के हो ना, वो मैं और मेरी तन्हाई है ना, आपको तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता होगा। आप हमेशा कहा करते थे कि हमें जिंदगी में अगर सच्चे दोस्त मिल जाए ना तो वो उम्र भर हमारा साथ निभाते हैं। बिल्कुल सही कहते थे कमल सर, कभी कभी झगड़े की वजह से दोस्ती में कड़वाहट आ जाती है, लेकिन अगर दोस्ती सच्ची हो तो कड़वाहट कभी नहीं आती, वैसे की वैसी ही रहती है। सही तुम्हें बताया, मेरे पास कभी भी ज्यादा दोस्त नहीं रहे, कॉलेज में दो खास दोस्त बने, एक सनी को तो तुम जानती हो, दूसरा सदानंद था। पता है मुझे भी ना एकदम आपके जैसे दोस्त चाहिए थे, जैसे आप और सनी भी है ना, लेकिन मेरा बैड लक देखिए, मेरी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दोस्त बना ही नहीं। बना ही नहीं? तुमसे ना बात करने का फायदा ही नहीं है। अरे क्या हुआ, क्या अब क्या हुआ, फिर से मोदक की तरह मुंह फुला लिया, अब ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्या कह दिया? तुम्हारा ऐसा कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है जिस पर तुम आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हो, ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो तुम्हारा साथ दे, कोई भी नहीं। ऐसा दोस्त नहीं था, मैंने कहा ऐसा दोस्त नहीं था। कुछ नहीं कहा था वैसा। अरे अच्छा ठीक है, आप हो ना मेरे पास मोदक, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। क्या छोटी छोटी बातों पे मोदक बन जाते हो? छोटी छोटी बात पर नहीं किया है, सिर्फ तुम्हारी तीखी बातों पर किया है मिर्ची। अच्छा ठीक है, ये तो बताइए कि अब आपका वो दोस्त सदानार कहाँ है? सदानार नहीं, सदानंद। हाँ सॉरी, सदानंद वो कहाँ है? मैंने तो कभी भी उनका नाम नहीं सुना और आज तक उनको देखा भी नहीं है। एक मिनट, हाँ ये है सदानंद, सनी की तरह ये भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, ऐसे कभी नहीं भूल सकता। सदानंद ना दुनिया बदलना चाहता था, सोसाइटी के तौर तरीके बदलना चाहता था, वो बहुत ही
सो इंटरेस्टिंग. हाँ तो अब कहाँ है वो? बदकिस्मती से वो गलत संगति में पड़ गया. उसके दिमाग में कट्टरपंथी विचार भी भर दिए गए. फिर वो धीरे धीरे सबसे दूर होता गया, मुझसे भी दूर. हम उसके बाद कभी भी पहले जैसे दोस्त नहीं रह पाए. आपको उनकी बहुत याद आती होगी ना? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनसे दोबारा मिलकर पहले जैसे दोस्त बन जाए? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो आजकल है कहाँ.